हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। श्वेता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉन को कैसे कट एंड क्लीन करते हैं वो बताऊंगी। ये मीडियम साइज़ वाली प्रॉन है। इसके पहले ये आँख वाली भाग को काट लूँगी सीजर की हेल्प से, और साथ ही ये एंटीना भी। ये जो बॉडी में शेल है उसे भी काट लेना है। यदि ये शेल हार्ड है तो आपका प्रॉन्स फ्रेश है। टेल को भी काट कर निकाल लेना है। साथ ही काटने के बाद ये शेल आसानी से निकल जाएगा। इसे निकाल लेना है पूरी तरह से। इसके हेड वाले शेल को भी निकाल लेना है। लेग को काट लेना है सीजर से। इसके ऊपर जो ये वेन है इसे भी निकालना जरूरी होता है। तो टूथपिक के हेल्प से निकालेंगे, ये आसानी से रिमूव हो जाता है। तो ये पहला तरीका है प्रॉन को क्लीन करने एंड कट करने का। अब दूसरा तरीका दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस है क्लीन करने का, बस इसके हेड वाले पार्ट को मैं अलग कर दूंगी। इसके हेड को ट्विस्ट करूंगी, ये आसानी से निकल जाता है। और इसके हेड वाले पार्ट को अलग से ग्रेवी में बनाऊंगी, काफ़ी टेस्टी लगता है। अब इसके पीछे वाले भाग को भी आसानी से रिमूव कर लेती हूँ। देखिए, ये पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सारे प्रॉन को क्लीन कर ले रही हूँ। सारे के सारे प्रॉन को कट कर ली हूँ अच्छे से। अब इसे वॉश करना है पानी से। तो चलिए, पानी में डालकर इसे 2 से 3 बार अच्छे साफ पानी से धो लें। इस प्रॉन के साथ मैं न्यू डिश बनाऊंगी, तो मेरे आने वाले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आपको ये कैसा लगा कट एंड क्लीन वाला प्रोसेस प्रॉन का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।